आज भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक यात्रा अगर कहीं की जाती है तो वो है केदारनाथ धाम। लेकिन ये बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो दिन अब दूर नहीं जब केदारनाथ धाम के रास्ते हम सभी के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि ये भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन अधिकांश लोग इस मंदिर के कई पहलुओं से अभी तक अनभिज्ञ हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और ये सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा भी है। इस मंदिर के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी है। स्कंद पुराण के अनुसार ये वही स्थान है जहां से पवित्र नदी गंगा को भगवान शिव ने छोड़ा था। केदारनाथ धाम की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि नर और नारायण ये भगवान विष्णु के दो अवतार हैं। ये हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। जब उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान शिव से शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया। इसके अलावा एक और कहानी बहुत प्रचलित है और यही आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी। पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना करने और उनसे मोक्ष पाने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाइयों की हत्या के पाप को क्षमा कर सके। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में छिप गए, क्योंकि वो पांडवों द्वारा कौरवों की हत्या करने से प्रसन्न नहीं थे जो कि उनके भाई थे। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन भगवान शिव जमीन में छिप गए और केदारनाथ में उनका कुबेर दिखाई दिया। पांडवों ने केदारनाथ में एक मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ भी किया। कहते हैं कि सबसे पहले पांडवों ने ही केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद राजा जनमजय, जो पांडवों के पोते थे, उन्होंने 3013 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन दान किया था। केदारनाथ धाम में भैरवनाथ का स्थान है जिन्हें इस इलाके के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से काफी दूरी पर है। ये केदारनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र के संरक्षक है, उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। जब सर्दियां आती है और केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो भैरवनाथ बुरी शक्तियों से मंदिर की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीख पर भैरवनाथ की पूजा की जाती है। इस मंदिर की विशेष बात यह भी है कि ये मंदिर है तो उत्तराखंड में, लेकिन इसके पुजारी है दक्षिण भारत के। इस मंदिर के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीर शैव समुदाय के हैं। आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत के थे। वे पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम में आए थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत की थी। उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर को भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित करने के बाद भी ये परंपरा आज भी जारी है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वो भी कन्नड़ भाषा में ही होते हैं। केदारनाथ मंदिर कई बार लोगों के सामने अस्तित्व में आया और फिर आंखों से ओझल हो गया। भारतीय जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के शोध के अनुसार ये मंदिर करीबन 4 शताब्दियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। इतनी लंबी अवधि तक बर्फ में ढके रहने के बाद ये फिर लोगों के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद फिर से इस मंदिर में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के अन्य पंच केदार मंदिरों के समान ही है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके निर्माण में पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर की दीवार को बनाने के लिए उन्हें आपस में जोड़ने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो आज भी एक बड़ा रहस्य है। इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर की पत्थर की शिलाएं 12 फीट मोटी है। ये पत्थर की शिलाएं इतनी मोटी थी कि 2013 में भीषण बाढ़ में भी, जिसने केदारनाथ शहर और इसके आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया था, परंतु मंदिर नष्ट नहीं हुआ।
केदारनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो आम शिवलिंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक त्रिकोण आकार की चट्टान की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के द्वार साल में 6 महीने बंद रहते हैं और इन 6 महीनों में यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। पुजारी जब 6 महीने के लिए केदारनाथ के द्वार को बंद करते हैं तो सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई होती है और एक अखंड दीपक जलाया जाता है। 6 महीने बीत जाने के बाद जब मंदिर के द्वार दोबारा खोले जाते हैं तो वैसे ही साफ सफाई हुई मिलती है और वो अखंड दीपक वैसे ही जलता रहता है। ये नज़ारा देखकर सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। कहते हैं कि जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तब सूक्ष्म शरीरधारी योगी सन्यासी और देवता इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और बहुत पवित्रता का ध्यान रखते हैं। यानी कि 6 महीने के लिए ये मंदिर इंसानों के लिए रहता है और फिर 6 महीने के लिए देवताओं के लिए। कई बार इस मंदिर के बंद होने के बावजूद भी अंदर से घंटी और घड़ियाल की आवाज़ें भी आती है। कहते हैं कि भविष्य में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से लेकर कई धाम गायब हो जाएंगे। ये आज जहाँ पर है वहाँ नहीं रहेंगे। हिमालय के ऊपर का पूरा इलाका हिमयुग के चपेट में आ जाएगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कहाँ होंगे केदारनाथ के दर्शन। दरअसल बद्रीनाथ के नीचे के इलाके में जोशीमठ नाम का एक स्थान है। ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक सबूत भी है। यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य के 4 पीठों में से एक पीठ ज्योतिर्मठ पीठ जाने के रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आता है जिसे कई बार लोग अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन जब लोग इस मंदिर का नाम सुनते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठ जाते हैं। इस मंदिर का नाम है भविष्य केदार। इस छोटे से मंदिर के अंदर ठीक केदारनाथ जैसा ही एक चट्टान रूपी शिवलिंग है और ये शिवलिंग कई सालों से अपने आप ही बढ़ रहा है। यहाँ बचपन से आ रहे श्रद्धालुओं का मानना है कि वे जब से यहाँ पर आ रहे हैं तब से इस मंदिर की शिवशिला को बढ़ते हुए देख रहे हैं। भविष्य केदार मंदिर में भगवान शंकर 2 भाग में विराजमान है। ये शिवशिला निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त इस शिवशिला की लंबाई लगभग 6 फीट की है। दावा ये भी किया जाता है कि यहाँ पर शिवशिला जमीन के अंदर से खुद ही प्रकट हुई थी। जिस दिन यहाँ पर स्थित नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन वर्तमान केदारनाथ धाम का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु सिर्फ एक ही स्थान पर भगवान केदारेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर सकेंगे और वो स्थान है ये मंदिर जिसे भविष्य केदार कहा जाता है। इसके अलावा भी जोशीमठ में समुद्र मंथन से निकला कल्प वृक्ष और आदि शंकराचार्य की तपोस्थली भी है। ये जगह भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। हम इसके बारे में एक वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।